हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो यहाँ पर उत्तराखंड एसएससी का एक नया फॉर्म यहाँ पर रिलीज़ हुआ है। आप यहाँ पर डेट देखें तो 8/1/2022 ये डेट है, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि यहाँ पर प्रारंभ होती है वो 27/1/2022 से स्टार्ट होकर 12/3/2022 तक यहाँ पर रखी गई है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं परीक्षा की तिथि के बारे में, तो यह अगस्त 2022 में होनी निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं। तो यहाँ पर जो गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में गन्ना पर्यवेक्षक के 48 पदों पर यहाँ पर ये भर्ती निकली है, और डेयरी विकास विभाग के राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 9 रिक्त पदों पर यहाँ पर ये वैकेंसी है। तीसरी जो वैकेंसी है यहाँ पर वो चाय विकास बोर्ड में बागान पर्यवेक्षक के 4 पदों पर यह भर्ती है। फिर दूसरी तरफ बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विकास विश्वविद्यालय में गार्डन ओवरवियर के 1 पद यहाँ पर निकाला गया है, और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में खाद्य प्रसंस्करण शाखा 3 के पर्यवेक्षक कैनिंग की कुल यहाँ पर 8 रिक्त पद हैं। तो टोटल मिलाकर बात करते हैं तो यहाँ पर 100 पोस्टों के लिए यह वैकेंसी होने वाली है। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्राइटेरिया रखा गया है इन सब वैकेंसियों के लिए। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं गन्ना पर्यवेक्षक के लिए। तो यहाँ पर कुल जो हैं पद वो 78 पद हैं, और 21 से 42 वर्ष तक यहाँ पर ये एज लिमिट रखी गई है। अनिवार्य अर्हता की बात करते हैं तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से इंटरमीडिएट कृषि सहित परीक्षा या सरकार और उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा यहाँ पर उत्तीर्ण की गई हो। दूसरी यहाँ पर बात करते हैं सिंपल हाई स्कूल यहाँ पर रखा गया है, और इसके साथ साथ यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कृषि में 2 वर्ष का डिप्लोमा यहाँ पर रखा गया है। तो ये है क्राइटेरिया इस गन्ना पर्यवेक्षक के लिए। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के लिए, कुल यहाँ पर 9 पद हैं, और इसके लिए जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है वो रखी गई है कृषि में कम से कम इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भारतीय दूधशाला डिप्लोमा यहाँ पर किया गया हो। तो ये यहाँ पर रखा गया है क्राइटेरिया। नेक्स्ट बात करते हैं बागान पर्यवेक्षक के बारे में, कुल यहाँ पर 4 पद हैं इसके। तो यहाँ पर बात करते हैं अनिवार्य अर्हता के बारे में, तो कृषि विज्ञान विषय में इंटरमीडिएट, कृषि या विज्ञान विषय में यहाँ पर इंटरमीडिएट होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं सभी के लिए, और 4 पद यहाँ पर बागान पर्यवेक्षक के लिए रखे गए हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर गार्डन ओवरसीयर के बारे में, तो 1 पद है और इंटरमीडिएट रखी गई है यहाँ पर। उद्यान विभाग के ऑर्नामेंटल गार्डन नर्सरी में 10 वर्ष का अनुभव, और यह इंटरमीडिएट कृषि के साथ 5 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव, तो ये रखा गया है क्राइटेरिया। तो इसकी PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो सभी के लिए यहाँ पर कृषि में या साथ साथ विज्ञान विषय में डिप्लोमा मांगा गया है, या 1 वर्ष का कोई डिप्लोमा हो वो यहाँ पर मान्य होगा। तो ये पूरा है, बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम है अन्य भर्तियों की तरह ही। बाकी आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, हमने वो डाल दिया गया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो वैकेंसी है UKSSC की तरफ से निकली गई है। यहाँ पर ये मत्स्य विभाग में ग्रुप सी की यह पोस्टें हैं, और कुल 28 यहाँ पर पद ये निकाले गए हैं, और 8/1/2022 में यह आज ही डेट है यहाँ पर ये निकली है, और 20/1/2000 से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, और 5/3/2022 तक आप इसको फिल कर सकते हैं, और अगस्त 2022 में इसकी परीक्षा की तिथि रखी गई है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया उन्होंने रखा है इस परीक्षा को पास करने के लिए। तो मत्स्य विभाग में कुल 28 पद यहाँ पर निकले हैं, और देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। तो यहाँ पर है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में मत्स्य विज्ञान में स्नातक रखा गया है। यदि किसने की है तो उसकी यहाँ पर ये जॉब पक्की है समझे, क्योंकि ये बहुत रेयर कंडीशन में कोई स्नातक करता है मत्स्य विज्ञान में। दूसरा जो यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है सरकार और उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य कोई उपाधि यहाँ पर हो, या गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मत्स्यकी विज्ञान में इन्होंने 4 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम किया हो। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है, और 2 घंटे की यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी, बाकी सब तो यहाँ बिल्कुल अन्य परीक्षाओं की तरह सेम है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपनी भर्ती की तरफ।
नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर वैकेंसी है यूकेएसएससी की तरफ से ही निकाली गई है, बात करते हैं कौन कौन से पद यहाँ पर है। तो यहाँ पर है राजकीय सहकारी पर्यवेक्षक के 64 पद यहाँ पर रिक्त किए गए हैं और सहायक विकास अधिकारी के यहाँ पर 6 पद हैं। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीज परीक्षण सहायक के 2 पद यहाँ पर रिक्त गए हैं और फार्म पर्यवेक्षक के 1 पद यहाँ पर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 73 पोस्टें निकाली गई हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे भरने। तो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो 24/1/2022 से स्टार्ट होकर 9/3/2022 तक यहाँ पर रखी गई है और आपकी जितने भी यहाँ पर वैकेंसी निकल ली गई है इनके सबका जो पेपर होने वाला है सभी का वो अगस्त 2022 में निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर ये निर्धारित किया गया है। अब देखते हैं क्या क्राइटेरिया यहाँ पर रखा है इन पोस्टों के लिए। राज्य के सहकारी पर्यवेक्षक के लिए यहाँ पर कृषि और अर्थशास्त्र में स्नातक और कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए, यानी आपकी ग्रेजुएशन जो है वो एग्रीकल्चर में या आपकी इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर इन्होंने रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं सहायक विकास अधिकारी सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 के लिए। तो यहाँ पर ये रखा गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में कला अर्थशास्त्र में स्नातक या बीएससी में कृषि में स्नातक और कंप्यूटर संचालन का यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पर रखा गया क्राइटेरिया। बीज परीक्षण सहायक के लिए यहाँ पर 2 पद हैं और कृषि अथवा वनस्पति में विज्ञान में यहाँ पर स्नातक और सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में कार्य करने का अनुभव और सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ स्नातक उपाधि यहाँ पर ये भी रखी गई है। फार्म पर्यवेक्षक के लिए 1 पद है तो यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है कृषि में स्नातक और कृषि में डिप्लोमा के साथ 3 वर्ष का अनुभव। तो ये यहाँ पर क्राइटेरिया है। बाकी यहाँ पर जो परीक्षाएँ हैं वो 100 अंकों की होगी और 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलेगा और न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। बाकी तो यहाँ पर सब सेम ही है भाई, क्राइटेरिया दिया है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।